देखिए, भाजपा जब जब चुनाव में कमजोर होती है तो वो दंगे फसाद की राजनीति में नफरत की राजनीति की ओर जाती है। ये यूपी को कोई भविष्य नहीं दे सकते, ना शिक्षा दे सकते हैं, ना स्कूल अस्पताल बनवा सकते हैं, ना रोजगार दे सकते हैं, ना यहाँ पर पूंजी निवेश लोगों का हो जिससे रोजगार लोगों को मिले, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। भारत के प्रधानमंत्री की खुद सोच है, वो यूपी में आते हैं कहते हैं गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए। तो जिस प्रधानमंत्री की सोच शमशान बनाने की है वो यूपी को क्या भविष्य देंगे? तो इसलिए यूपी के लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं। वो आप देखिए, ये तो हजारों करोड़ का व्यापार कर रहे हैं शेखों के साथ मिलके दुबई के अंदर, और उनके लिए व्यापार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं। अमित शाह का लड़का जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन के घूम रहा है, और हमारे लड़कों को आपने फंसा रखा है दंगे फसाद और नफरत में। तो मुझे लगता है कि ये अब यूपी की जनता को सोचना पड़ेगा कि बीजेपी की सरकार उनको कोई भविष्य नहीं दे सकती और इनका डबल इंजन फेल हो चुका है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी हैट्रिक लगाएगी, नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री की आज शपथ ले रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री के तौर पे हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करें, मैं ऐसी उनको शुभकामनाएं देता हूं। बाकी चुनाव किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अब जो उनकी जिम्मेदारी है उसको वो निभाएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, 9 सीटों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट फाइनल कर दिए गए, एक अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर पिटीशन की वजह से सीट फाइनल नहीं की गई। देखिए, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी लोकसभा का चुनाव, उसके बाद चुनाव आयोग बीजेपी के एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। 9 सीट पे आपने चुनाव डिक्लेयर किया, एक सीट पे आप चुनाव नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, ये क्या प्रदर्शित करता है, ये किस ओर इशारा करता है? जब विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया कि 10 सीटें खाली हैं तो आप 10 सीटों पे चुनाव कराएंगे ना, आपने एक सीट छोड़ कैसे दी? ये घटना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। सर, बिहार के छपरा और सिवान में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई है और पहले भी ऐसे कांड हो चुके हैं सर, ऐसे में देखिए, नीतीश कुमार जी की शराबबंदी योजना पूरी तरीके से फेल साबित हो चुकी है। अक्सर वहां पे नकली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, ये मामले सामने आ रहे हैं, और इसलिए अब नीतीश कुमार जी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। जो फैसला उन्होंने लिया है उसको या तो सख्ती से लागू कराएं, और या फिर ये घटनाएं कैसे रुकेंगी इसके बारे में पुनर्विचार सर, करें। एक और सवाल, महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के बयान वाले मुद्दे को चुनावी पोस्टर बनाया है, इसमें कटोगे बटोगे वाले नारे लिखे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे की तरफ से ये ट्विटर पर ट्वीट की गई है। देखिए, ऐसा है, मैंने आपको कहा अगर भाजपा रहेगी इस देश के अंदर, ना नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ना किसान को उसके फसल का दाम मिलेगा, ना देश के अंदर महंगाई कम होगी, ना आपको कोई भविष्य मिलेगा। जहां भाजपा है वहां दंगे हैं, जहां भाजपा है वहां नफरत है, जहां भाजपा है वहां झगड़े हैं, इसीलिए मैंने इनका नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी रख दिया है। तो ये देश भर में झगड़ा करा सकते हैं, ये और कोई भविष्य हिंदुस्तान को नहीं दे सकते। इनकी पूरी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, इससे ज्यादा इन लोगों का कोई काम नहीं है। आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी के को लेकर एक अभद्र टिप्पणी के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के घर के बाहर गाली फूंकी गई, आपत्तिजनक शब्द उपयोग किए गए, अब उस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और गौतमबली में। भाई, जब प्रधानमंत्री खुद 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय और क्या कहते हैं कांग्रेस की विधवा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल